एष सुरासुर मनुषिन्द बंदिरं दोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गतार। एक छंद पढ़ रहे हैं बस, वैसे तो चर्चा बहुत विस्तृत है इसकी, लेकिन अपन एक बार पहले तो गाथा पढ़ते फिर छंद पढ़ते। 211-12 गाथा है, 43 पेज। एक चर्चा तो अगली गाथा में आएगी। 200 का मूल कारण है प्रतिबंध, वर के प्रति प्रतिबद्धता, उसकी चर्चा पर वही करेंगे। यहाँ एक बात बहुत समझने की है, बहुत मैं तो चाहता हूँ इस पर वर्कशॉप होना चाहिए, खास तौर से ब्रह्मचारियों की, मुनिराजों की बहुत बड़ी वर्कशॉप होना चाहिए इन गाथाओं पर। 99% झूठ बोलने का व्यवहार होता है, 99% गुरुजनों के खिलाफ सोचने का विचार भाव होता है, 99% उसके मिटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए इसकी संगोष्ठी होनी चाहिए। लगभग लगभग एक शंका रहती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हर एक को लगता है ऐसा। 99% कह रहे हो तुम, हम तो कहाँ है बड़े बड़े। उनके लिए मुझे दो बातें इसमें से कहनी है। अन्याय कभी भी कोई कर नहीं सकता, अन्याय करने की कोई व्यवस्था इस विश्व में नहीं है। क्यों नहीं है विश्व व्यवस्था? क्योंकि कर्म के उदय प्रमाण होता, सब कर्म के उदय से ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा पारिवारिक स्थिति बताएं तो आपको इसके दृष्टांत समझ में आ जाएगी। परिवार में 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, हर एक बच्चे को एक शिकायत होती है, तो हम सबसे बड़े हैं ना, तो हमें ही सबसे ज्यादा पिटते। वे छोटे होके बच जाते, सब काम हमें करना पड़ता है, सबसे पहले हमें, तो छोटों की वजह से भी हमें डांट पड़ती है, हम पे ज्यादा जिम्मेदारी है। अरे एक जी भाव, बहुओं को भी हो सकता है, बच्चों को तो हो ही जाता है। छोटा से पूछो हम क्या होता है, हमें तो सब दबाते, बड़े भैया को तो केवल मम्मी पापा ही दबाते, हमें तो बड़े भैया भी दबाते, हमारी तो कोई कदर ही नहीं। स्कूल में जाता हूँ इधर जाता हूँ ऐसे, अरे आप एक एक से मिलके देखो, उनकी एक ही शिकायत है कि हमारे साथ अन्याय होता है।
बड़े वाले को लगता है हम बड़े, सारे घर की सब्जी हमला है, मसाले हमला है, बाजार का कोई काम है तो हमें दौड़ना पड़ता है। छोटे से खेलते रहते, छोटे से पूछो हो बड़े भैया कोई काम है झट हमें ऑर्डर करें, 5 लाख हमारे लिए किताब ले आओ, ऊपर से पेन लाओ, मम्मी से नाश्ता ले आओ, भाई वो इतने से काम को भी बहुत बड़ा काम समझता है। कुल मिलाकर के हर आदमी की सोच यह है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। फिर कह रहा हूँ आप ब्रह्मचर्य लोगे तो भी ये लगेगा, बुरी दीक्षा लोगे तो भी ये लगेगा, और ये मिथ्यात्व की निशानी है। मिथ्यात्व ये है कि विश्व में कोई किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता। आपको लगता है तो आप अपनी सेटिंग सुधारो, सबूत मत दो, सबूत मत दो, सेटिंग सुधारो अपने दिमाग की। मैंने जब 22 परिसर की चर्चा की है तो भाई दंड की जो व्यवस्था है प्राश्चित, उसमें बहुत ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको लगेगा बिल्कुल देखो प्राश्चित, देखो हमने वही गलती करी, नहीं वही गलती करी, और दोनों तो गुरु जी के पास गए तो उनसे तो कुछ नहीं कहा और हमें 5 दिन का उपवास दे दिया। मतलब दंड क्या कहलाता है बोलो, पक्षपात नहीं, एक ही गलती है दोनों की, बोल तुम्हें कैसा लगे, सेम गलती सेम टाइम सेम, एक को प्रायश्चित उपवास और एक को कुछ नहीं, पक्षपात है कि नहीं। अब सोचो ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है ऐसा। मैं सोचता हूँ यहाँ के सही, और अभी तक सही था, थोड़ा सही करने के लिए एक्स्ट्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सेम, तो इसलिए मैंने कहा सबूत मत जुटा, विश्वास करो बस। ऐसा क्यों हो सकता है, इस पे बहुत चर्चा हो सकती है। एक मुनिराज 25 साल के हैं और एक 75 साल के, और दोनों मुनिराज ने एक ही गलती की, तो 25 साल वाले मुनिराज को दंड नहीं दिया जाएगा, 75 साल वाले को 5 दिन का उपवास दिया जाएगा। क्यों दिया जाए, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो अभी नए नए हैं, अभी दीक्षा ली होगी, इनको कम नहीं, आपको ज्यादा नहीं, ये ऐसा कॉमन सेंस लगाना पड़ रहा, कहीं लिखी नहीं कोई संविधान की किताब नहीं लिखी इस गलती पर ऐसा किया जाए। हाँ कानून में भी ऐसा है, कानून में भी लिखा है कॉमन सेंस इज द 9th 10th रूल्स ऑफ द लॉ, 8 नियम लिखे हुए हैं संविधान के और 9वां 10वां नियम कॉमन सेंस। उसके लिए जज स्वतंत्र होता है, पहली बार अपराध किया कोई बात नहीं माफ किया जाएगा, छोटा दंड दिया जाएगा, बहुत सारी बातें देखी जाएंगी, उसके बोलने का तरीका, इनोसेंट है फंसा दिया किसी ने, गलती तो की है बात तो सही है लेकिन इमोशनल होकर कर ली है, जन्मजात अपराधी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा है, कॉमन सेंस लगाएगा, सब बातें सोचे, केवल सबूत से निर्णय नहीं होती, बैकग्राउंड में बहुत सोचना पड़ता है जज को। ऐसे यहां पर गुरु या आचार्य शिष्य की उन्नति चाहते हैं, पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा में बोलते हैं, ज्ञानी गुरु शिष्य के दोषों को छुड़ाते हैं, शिष्य को नहीं छोड़ते, क्या कहा, शिष्य को नहीं छोड़ते, शिष्य के दोष छुड़ाते, वे शिष्य को मोड़ते हैं,
शिष्य को मोड़ती है, मतलब गलतियों से अलग करती है, दोषों से उन्मुख करती है, अलग करती है। लेकिन लेकिन अज्ञानी शिष्य दोषों को छोड़ने के स्थान पर गुरु को छोड़ देती है। गुरु को छोड़ना माने अज्ञानी शिष्य की पहचान। कल जिसके लिए कहा था ऑपरेशन थिएटर से उठ के चल रही, वो ऑपरेशन थिएटर से उठ के मर जा। अज्ञानी उठ के चल रही, इनके सामने मैं, हम तो घुट रहा, हमारा दम घुट रहा है। दम इसलिए घुट रहा है कि तुम कसाय का पक्ष ले, सुतोपयोग का पक्ष लोगे तुम्हारा दम नहीं घुटेगा, तुम्हारा जीवन खिल जाएगा। क्यों? बचपन में पढ़ना अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी, इंग्लिश अच्छी लगती थी, रट्टा मारना अच्छा लगता था। क्यों? केमिस्ट्री के फार्मूले अच्छे लगते थे, दम घुटता था, लेकिन पढ़ाई तो करी ना आपने। कल तक अखबार में आया था बहुत अच्छा, जो जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हैं उनका शेष जीवन आसान हो जाता है। जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं उनका शेष जीवन आसान हो जाता है, और जो जिंदगी में आनंद से, विलासिता से, सुविधाओं से रहते हैं उनका पूरा जीवन कठिन हो जाता है। विद्या ऐसी थोड़ी आती लापरवाही से, जब विद्या ही नहीं आती तो तत्व ज्ञान कहाँ से आएगा, रत्न त्रय कहाँ से आएगा? और सब 4:30 बजे जगा देते हैं, फिर नींद आती है, वो तो आएगी नहीं। नींद आ रही मतलब फालतू दिमाग, नींद आ रही मतलब प्रमाद। नरेंद्र मोदी 4 बजे उठते हैं, उन्हें कौन उठाने वाला, बस कैसे अफसोस है, क्या उठ रहे हो? बहुत बड़े बड़े नाम है जो बड़े बड़े सुबह 4 बजे उठते हैं, बड़े बड़े नाम खिलाड़ियों के भी, उनके भी तो बता रहे 3:30 बजे उठा देते हैं खिलाड़ियों को। मतलब जीवन आप संघर्ष नहीं करोगे, और बे माँ बाप बहुत खराब है जो बच्चों को संघर्ष नहीं कराते। मुझे बहुत ही अच्छा नाम लगता है सूरत का, सूरत में एक सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा हीरो का, रत्नों का, बड़ा काम है हीरो का, सबसे बड़ा व्यापारी। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे विदेश में पढ़ गया है, पढ़ने लिखने के बाद जब भारत आ गए तो उनकी सब चीज छीन ली, डिग्रियां छीन ली, एटीएम कार्ड छीन लिया, क्रेडिट कार्ड छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, सब छीन लिया। एक जोड़ी कपड़े बैग में रख के दे दी, चप्पल दे दी, ओनली चप्पल, एक जोड़ी कपड़े, चप्पल और 500 का नोट, ये लो, जिस दिन 5,000 रुपये कमा लो उस दिन घर आना, और कहीं भी हमारे नाम का प्रयोग नहीं करना, हमारी पहचान मत बताना कहीं पर भी। 5,000 रुपये कमा लो, अमेरिका से पढ़ के आया विद्यार्थी, बस बालक, और तीनों बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ। अब क्या कर रहे थे, 500 रुपये ओनली, होटल में नहीं जा सकते आप 500 रुपये में, होटल का भोजन नहीं कर सकते 500 रुपये में। अब बच्चे का दिमाग कैसा हो रहा है, चलो कितना कितना घुट रहा होगा वो, बाप के नाम पे कैसे चोरी छिपे ले जाऊं पैसा, क्या करूं क्या करूं, कट रही। अब रिश्तेदारों से नहीं जा सकते, मित्रों से नहीं ले सकते पैसे, देश में विदेश में कितने पैसे ले सकता हूँ, ऑन 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 जब सब जब कहाँ कहाँ रात को सोया, कम से कम भोजन 5-10 रुपये में किया, पैसे बचाए, जगह जगह काम किया उसने, जगह जगह ढाबे में काम किया, जूते पहनाने का काम किया, तमाम तमाम ऐसे उसे 3-4-5 महीने लगे, 3-4 महीने तब 5,000 रुपये घटे हुए उसके, और खर्चा भी करना है और वापस आए। तब फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बच्चे का मिलवाया, बाप बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबको बताया। तब तक किसी को पता नहीं था कि जिस जूते वाले के काम कर रहा है वो कौन है, जूते बना रहा है वो। तो प्रेस कर पालों ने पूछा, आप ऐसे क्यों करते अपने बच्चों के साथ? आपको पता है वो अपने कर्मचारियों को हर साल 40 लाख रुपए गिफ्ट देता है दिवाली पर, कार ले लो 40 लाख ले लो या एक फ्लैट ले लो। 14,000 कर्मचारी है, 14 से ऐसे कुछ कर्मचारी, इतने कर्मचारी हैं
और 40 से 60 लाख के तो बोनस देता है सर दिवाली में, और आप लोग बच्चों को ऐसे कर देता है। तो बोले आप ऐसा क्यों करते हो? बोले जब तक तो बच्चे संघर्ष नहीं करते उन्हें पैसे की कीमत नहीं आती, गरीबों की गरीबी का एहसास नहीं होता, संकट क्या चीज होती है पता नहीं लगता। समझ आए ना? अब भी गुरु सबसे अच्छे हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जो अपने बच्चों को ऐसे संघर्ष कराते। देखो भोजन तो एक दिन मिल जाएगा, उसमें क्या दम है, लेकिन आत्मा का आहित हो गया तो कितना बुरा आहित है। देह के बिना तो अनंत काल रह सकते रहे, ज्ञान के बिना कैसे रहोगे, शुद्ध प्रयोग के बिना कैसे रहोगे, गुरुओं की करुणा वहां से है। मैं आपको ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ मुरलियाजों के जो आपको पक्षपात लगे। समझ गए होंगे सारे से? माँ घर में होती है, घर में एक बच्चे को खूब घी शक्कर खिलाती है और एक बच्चे को रूखी रोटी खिलाती है। क्यों ऐसा क्यों करती है? एक को खूब आम का मौसमी का रस खिलाती है और एक को सब्जी रोटी खिलाती है। क्यों? बेटा जी 12 घंटे कंप्यूटर पर बैठता है, ऑफिस में बैठता है, दिमाग का ज्यादा काम करता है, इसे घी शक्कर चाहिए, इसे मौसमी का रस चाहिए, अनार का रस चाहिए इसे। और ये क्या है, दिन भर सड़कों पर घूम के काम करता है, मतलब बिजनेस करता है, मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, इसे रोटी ज्यादा चाहिए, इसे तो टेस्ट के लिए थोड़े फल दिए जाएंगे, उसे भरपेट दिए जाएंगे, इसे टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। खूब घूमता है, खूब मेहनत करता है, खेत बाड़ी करता है, आधा 1 किलो आटा चाहिए इसे खाने के लिए, अच्छे खाओ। अब तो मुझे लगे बहुत बड़ा पक्षपात है। एक भैया को ऐसा ये भैया घरों में जो बहुएं आती है वो यही पक्षपात का आरोप लगाती है, बड़े भैया को तो मम्मी सब कर देती है, हमारे हस्बैंड के लिए नहीं करती। बड़े भैया कहीं जाएंगे तो झट हलवा बन जाएगा, हमारे जैसे जाएंगे तो पराठे बनेंगे, घर में झगड़ा होता है। अब सास जानती है किसको क्या पचेगा, कौन क्या खाएगा, कितना खाएगा। जो खेतों में काम करता है उसे इतना सा हलवा क्या करेगा, क्या करेंगे इतना सारा, उसे तो 6 पराठे खिला दो अच्छे बढ़िए, गए दिन भर निश्चिंत, और जी पचा नहीं पाएगा 6 पराठे, इसकी पाचन शक्ति वैसी है, घटे 10 थोड़ा सा किया चल जाओ। अरे माताओं का कॉमन सेंस होता है, ऐसे गुरुओं का कॉमन सेंस होता है। मैं तो केवल तुम्हें बता रहा हूँ बेटी, हो सके अपना हित चाहे थे तो गुरुओं का संग का नहीं करना, अपना हित चाहिए गुरुओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, दूसरे लोग डर जाएंगे, ओह भाई साहब बहुत कठोर है, उनका बेचारा उपवास करा दिए किसी बात में, बहुत कठोर है, वैसे डांट दी बोल दिया। पता है पंडित साहब के प्रयोग तो बहुत सुंदर सुंदर है, हम लोगों ने देखे, तो मुझे ये लगता है ना मेरी प्रतिष्ठा बहुत है, ये उनके सबके सामने मेरी प्रतिष्ठा ऐसे ऐसे हो जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? मनुष्य गति का सबसे बड़ा शत्रु है मान, और उनको ये चिंता रहती है सुमत को प्रवचनकार बनने का, प्रभावनाकार बनने का, और जो ख्याति है उसका रस तो नहीं चढ़ेगा, टेस्टेड ओके भरी स्वभाव है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी नजर से मेरा कोई दोस्त बाकी नहीं है, आप ही निकालोगे, आप ही भगवान बनाओगे, हमें क्या करना है, अब जट खड़े हो गए, अपना क्या जाता है। हमने एक बार कहा, बहुत दुखी हृदय से कहा, अनंत जन्मों के भाग से तो आप मिले और हमें विनय तक नहीं आपके प्रति, कौन कहता है विनय नहीं है, सियाद बात है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, जैसी चाहिए वैसी नहीं, यदि बिना नहीं होती तो हाथ जोड़ क्यों खड़े। देखो सियादवास, और इतनी सी देर में उन्हें सियादवास समझा दिया, उन्हें सर्वदा शिकायत भी नहीं हो, शिकायत भी है, क्या 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 गलती हो गई हमसे, हमसे क्या गलती हो गई, तुम अभी तक ये नहीं सोच पा रहे हम क्या सोच रहे हैं, हमारे कहने का अभिप्राय क्या, जी अभी तक नहीं सोच पाए इसका लाभ ही ना है, हम क्या चाहते हैं स्वाध्याय में, पर्सनल लाइफ में, ब्रह्मचर्य में, जीवन में हम क्या चाहते हैं, तो अभी ये पता ही नहीं लग रहा है, ये अभी नहीं, ये थोड़ी ऐसे हाथ जोड़ ली से विनय हुई, ये तो शरीर की विनय हुई, आत्मा की विनय कहाँ हुई, आत्महित की विनय कहाँ हुई, आत्महित की विनय होनी चाहिए,
अब जी है गुरुओं की, अब तो दूर से डर के भाग जाओ, तुम तो समझ ही नहीं पाओगे। हाँ तो पहुंचो, गलती हुई है कोई बात नहीं, क्या गलती हुई, गलती को 8वें नंबर तक ले जाओ नए से। अब जितने लोग कहते हैं हम निर्दोष हैं, फिर इसको बंदी कर, फालतू जल रहा है कोई मतलब नहीं इसको, फालतू गाड़ी जल रही, हम तो बोलते ज्यादा है पढ़ते कम। समझ में आया? क्या बोल रही थी? मतलब निन्यानवे परसेंट शिष्य, अभी मैं गुरु शिष्य की बता रहा हूं, तो घरों में देखना तो 99% बहू है या बेटी, हमेशा कंप्लेंट करेंगे बिल्कुल, क्यों कि भी पत्ते पकड़ रहे, वहां तो अन्याय दिखेगा बिल्कुल। कल्पना करो दो बहुओं के बीच में सास एक को खिलाए एक को कब खिलाए तो कैसा लगेगा, एक को फल दे एक को नहीं दिया, आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल पक्षपात लगेगा। अरे वो जान नहीं, तुम्हारी प्रकृति अलग है, इनकी प्रकृति अलग है, तुम्हें नींबू पानी देंगे बस सर्दी हो जाएगी, और सर्दी तो पहले ही अनार का रस देंगे तो और मर जाओ, उसे अनार का रस नहीं दिया, इसको गर्मी बढ़ रही थी इसको अनार का रस दे दिया, अब बता ऊपर से क्या लग रहा था, ये बहू को अनार का रस, अभी पैसा वाली है दहेज लेके आई है, अम्मा उनसे दब दी है, सबने तो हाथ पे रस दे दी, और हमें नींबू तक नहीं दबता। अब बता तुम क्या न्याय करोगे इसे भाई, फिर कह रहे आप गुरुजनों में माता पिता में शंका मत करो, अन्याय नहीं हो सकता, तुम्हारे देह में जो जाना है वो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, उसे कोई इतना सा बाल बांका नहीं कर सकता, हमें तो दिया नहीं, प्रत्यक्ष देख लो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं 99% कंप्लेंट का मौका है, शिष्य पत्ते पकड़ते हैं और गुरु जड़ पकड़ते हैं, मूल मूल पकड़ते हैं, हो सके अपना हित करना हो तो गुरुओं के न्याय में शंका नहीं करना, क्योंकि गुरुओं का न्याय गुरुओं का नहीं है, गुरुओं की तो करुणा है, न्याय कर्म का है। क्या क्या कहें न्याय कर्म का, और गुरु का क्या है, गुरुओं की तो करुणा मात्र है, गुरुओं की करुणा मात्र है, जैसे तुम कहते हैं ना हम रसहार करना चाहते हैं, हम क्या करें तुम्हें कर्म खिला रहे हैं, हम तो बहुत चाह रहे तुम बिल्कुल रसहार में रहो, बिल्कुल नमकीन मिठाई नहीं खाओ, हमको कर्म खिला रहे, हमारी करुणा तो जाएगी बिल्कुल मत खाओ। समझ आ रहे? आह ज्ञानी गुरुओं में शंका नहीं करना, न्याय किसका है, कर्मों का, करुणा है गुरु की, गुरु का बस चरित्र एकदम निकालने आपको, लेकिन करुणा ही तो है, वो कर क्या सकते, मैंने ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आपने देखा कभी, कभी देखा ही होगा हॉस्टल वगैरह, एक लड़का बार्डन से डांट खा के आ गया, फिर दूसरे तुम बताओ हमारी क्या गलती, अब तुम बताओ हमारी क्या गलती, हम इतने इधर से इतने ही गए थे, इतने ही हमें पकड़ लिया, अब भी हल हंस रहे थे सभी, धोखे से हो गए हम फंस गए, हम बाथरूम के लिए उठ के गए थे, उन्होंने सोची हम ही हल्ला कर रहे थे, अब भी जल्दी डाके से हो गए हम फंस गए, हम कह रहे फिर भी अन्याय नहीं होता। मैंने विद्यार्थियों को कहा है हॉस्टल में, सही सही बताओ, आज तुमने मस्ती नहीं की, ये बात तो सही है, लेकिन इससे पहले कभी मस्ती नहीं की, और तुम पकड़े गए थे उस समय कि नहीं, ये उसी दिन का उदय आज आया, तुम क्या सोचे अभी फालतू है, जैसे गुरु अन्याय नहीं कर, जैसे बार्डर अन्याय नहीं कर सकता, अच्छा हमें बिनी बात मार दी, अरे बिनी बात नहीं मार सकते, यही तो कह रहे हैं, तुमने इस तरह का अपराध पहले किए होंगे, छिपा कर भी किए होंगे, अब उदय आया, देखा कभी तुमने, तुमने देखा होगा सब लोगों ने, पहले अपन बड़ी बड़ी गलती कर गए तब डांट नहीं पड़ी, और छोटी सी गलती में फंस गए, तुमने कई बार चुरा के खा लिया तब कोई कुछ नहीं कहा, और जहां से मांगा अभी तो डांट पड़ गई, हमने मांगा था, चोरी तो नहीं की थी, हमने मांगा था, लेकिन इससे पहले तुमने कभी बहुत चोरी की होगी, फिर कह रहे वो कर्मों में अन्याय नहीं होता, हम तुम्हारे हित में कह रहे हैं कि तुम गुरुओं में शंका नहीं करना,
क्योंकि गुरु सचमुच निष्पक्ष होते हैं। भी ध्यान से सुनना, क्योंकि निष्पक्ष होने का फायदा उन्हें मिलता है, तुम्हें नहीं। क्या कह रहे हैं, गुरु क्यों निष्पक्ष होते हैं? इसमें कोई एहसान नहीं है गुरु के निष्पक्ष होने का, क्योंकि गुरु निष्पक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि उसका फायदा उन्हीं को होता है। बेस कोई पार्शलिटी नहीं करते, सब जीवों में संभाव रखते हैं, तो उसका फायदा उनको सामायिक में होता है, शुद्ध उपयोग में होता है, केवल ज्ञान में होता है, संबंध रिजना में होता है उनका फायदा। समय है इसलिए वे तो निष्पक्ष रहते हैं। लेकिन अब आगे चलो, नहीं कर्म के उदय भी निष्पक्ष होने पर भी तुम्हें पक्ष लगता है, क्यों? तुम करुणानिधि के ज्ञाता नहीं हो, क्योंकि तुम करुणानिधि के ज्ञाता नहीं, स्वाध्याय करवा, समझे? ये दो बातों का ध्यान रखो, जिंदगी में कभी डिप्रेशन ही नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। मेहनत तो है, मेहनत तो है, अंतर की मेहनत है, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। ये दो पॉइंट पकड़ो, बहुत मजा आएगा। हम इन्हीं दो पॉइंटों से जी रहे हैं, हमें निंदा निंदा नहीं लगती, यस यस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मतलब क्योंकि हमें पता है ये सब कर्म के उदय का खिलाफ खेल है। अभी हम नहीं चाह रहे हैं, हम सीक्रेट रहना चाहे तो भी नहीं रह सकते, हम गुप्त रहना चाहे तो भी नहीं रह सकते, ठीक है? मतलब अपना क्या जा रहा है, अपनी तरफ से निष्पक्ष रहे। पंडित साहब कहते हैं, पंडित बहुत कई बार कह चुके पंडित साहब को, हम बिकट रहते तो पता लगती है बात, बेटे हमारा बस चले तो हम तुम सबके लिए ऐसा कर दे, लेकिन हम कहते कुछ है तो तुम्हारे उदय में तुम्हें लगता कुछ है। क्या कह रहे हैं, हम कहते कुछ है तुम्हारे उदय में तुम्हें कुछ और ही लगता है। मतलब अंजना के चित्त में किसी प्रकार का कुशील भाव था शादी सगाई की पहले, पवन की उमा के खिलाफ कोई भाव था उसको? कोई भाव नहीं था। अब लजा रही थी अपने पति के बारे में, पेरेंट्स कैसे कहें, जैसे चार आठ दस सहेलियां हैं और वो अपने पति का गुणगान करे तो कैसा लगे? ओ देखो इसके तो लड्डू फूट रहे, अब इसी पति का गुणगान कर रही, तो बोल तो सकती नहीं, लज्जा होती है पति के बारे में, मुझे सिर झुकाए सुनती है, सब अपनी टिटोली करती है और उन्हें कुछ और लग लियो। कर्म के उदय में लगा उन्हें, क्या कर सकती है? ध्यान रखना बेटे, मैं फिर कह रहा हूं आपको, इतनी बड़ी चर्चा पढ़ा रहे, पूरे जीवन काम आई, न्याय चाहिए। अरे न्याय चाहिए नहीं, न्याय को समझ जाओ। कुछ कह रहे हैं जल्दी से, क्या कह रहे हैं? हर व्यक्ति की डिमांड है न्याय चाहिए, हम कह रहे हैं हर समय न्याय ही हो रहा है, समझो। हमारे पैसा खा गए, अरे खा कैसे गए, न्याय हुआ है। लगाते आप कितने लगा सकते, हम जब जब बाड़े के पास गए उन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया, अरे इसका मतलब तुम विश्वसनीय नहीं हो। हम उन्हें नहीं दोष देंगे, तुम विश्वसनीय नहीं हो, तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं किया उन्होंने? हमारे माता पिता ने तुम पर अविश्वास कभी नहीं किया, हमें फोन करके भी नहीं बताई कोई बात उनको कभी, आज तक फोन नहीं लगाया घर पहले से भी, क्यों? हमने घर में एक ही बात कही है, जिस दिन निकले हैं, जिस दिन हम प्रतिकूलता में होंगे, तकलीफ होगी, कोई तकलीफ होगी, हम आपको खबर करेंगे, और तब तक हम खबर नहीं करें तब तक समझोगे मजे नहीं, कितना बढ़िया सुंदर मैसेज छोटा था। अब जब तक खबर नहीं जाती वो आनंद में रहते, वो भी आनंद में, हम भी आनंद में रहते, ऐसे उधर से जब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई कोई खबर नहीं आई, शादी विवाह की भी कोई खबर नहीं आई, क्यों? हमारे किस काम की, करते रहो सब अपने जो करना है। मैंने फालतू मैसेज का आदान प्रदान में तो देख के तक रहता हूँ, तुम्हें तो विश्वास भी नहीं होगा कि फोन ही नहीं आया, फोन ही नहीं किया मतलब, और तुम्हें तो रोजाना ही बात नहीं होती है सही। अभी तुम बात नहीं करो मम्मी से, 3 4 दिन मत करो, फिर देखो घर से कैसी घबराहट हो जाएगी, खबात है एक ही दिन बेटा, फोन कर लिया करो, अब कछु बात नहीं, जब क्या बात करो, क्या खाया, क्या किया, बोला बस, अरे तब विश्वास रखो। अब इसका कितना सुख होगा फोन नहीं करने का, मैं जानता हूं इसका, कोई विकल्प नहीं आता, तुम्हें 1000 बार विकल्प आती तब जाके लगाती, तो 1000 विकल्प के आश्रम बंद हुए फोकट में,
ज्यादा बंडल नहीं करना चाहता फोन का, कितने दुखी होते हैं लोग। वहां से एक जरा सा अच्छा जवाब नहीं आया तो ये दुखी, अपन ने अच्छा जवाब नहीं दिया था अपन दुखी के बे दुखी। लड़की शादी करके चली गई तो भी प्राण खा रही उसके बाद। मम्मी ये मिला के मतलब तुम्हारे जो कुछ भूख तो अब हम क्या करें। अब मानो तुमने मम्मी कान में कर दिया, अब मम्मी उदास बिटिया। फिर पति देता है रोटी खिलाई, आज लल्ली को फोन आओ तो बेरोन लगे बेचारे, रोटी नहीं खा पा रहे चैन से। और उधर क्या इनने क्या बदल दिया, हम कुछ नहीं बदल पा रहे। ये गलत तरीके। हाँ किस बात पे से इतनी बात कही, हमें न्याय चाहिए। नहीं, तुम न्याय समझो, सब हम प्रेम नहीं करते। बिल्कुल सच कहता हूं आपको, आत्मान्वेषण करना हो तो समझो हम प्रेम नहीं करते, तो तुम प्रेम के लायक नहीं इसलिए नहीं करते हो। तुम प्रेम के लायक बनो, सोचो सोचो प्रेम के लायक बनो। अपन क्या सोचते हैं, भाई साहब पक्षपात करते हैं, गुरु जी पक्षपात करते हैं, मम्मी पापा पक्ष, अरे झूठ बोलते हो। विश्व में पक्षपात की व्यवस्था ही नहीं है, सोचो। हम तो अपने आप को इस कटघरे में खड़े करके रखो कि यदि यही काम दूसरा करता तो क्या होता। हम कई बार कहा, तुम सोचो ना कोई काम हम करें तो कैसे लगे। तुम भी हम ऐसे भाव आएंगे, सोचो मम्मी पापा को क्या जवाब दोगे। जो तुम सोचते हो वही मम्मी पापा कहें तो तुम उन्हें क्या सलाह दो। करो प्रयोग, हमने तो किए हैं इसलिए हमें हमें बस सेटिंग बदल गई सारी। विकल्प ही उठता ही नहीं है वो विकल्प उस जाति की, हैरान होने वाले उठते ही नहीं अपनी परिस्थिति। हमें कुछ सोच सोच कर ही करना पड़ता है, एट रैंडम डांटना, एट रैंडम सहज तुम्हारे उदय प्रमाण हो बस सीधी सी बात। हमसे कुछ नहीं किए थे, उनसे कुछ नहीं किए थे, अरे हम सबसे सब कुछ किए थे। समझिए गुरुजन को ऐसे समझो। अब देखो थोड़ी और मानसिक दशा बताते हैं, इसे मानसिक दशा की चर्चा। शिष्य गुरु के पास आकर बड़ी विनय से, पहली बात है गुरु खड़े हो तो प्राचीन प्रतिक्रमण नहीं करना, सो रहे हो तो नहीं करना। यदि उन्होंने अनुमति दी हो बात अलग, लेकिन प्राचीन लेने का सबसे अच्छा तरीका विश्व व्यवस्थित सौम्य मुद्रा में शांत बैठे हो, गुस्सा में बड़बड़ा रहे हो, और एक दृष्टांत तो गुस्सा में बड़बड़ाते एक दृष्टांत दे रहे हैं। बेभावों की स्थिति में हो और तुमने आगे कह रहे हमारे दोस्त सुन लो फिर हम जाए। ऐसे तुम्हें तुम्हारी पढ़ी है सुना हो चले जाओ, हमारे नहीं पढ़ रही। सबसे पहला काम है गुरुओं की शांतता। आप अपने दोस्त मत कहो, उनकी शांतता देखो। यदि उनका चित्त शांत नहीं है तो पहले उसका उपाय सोचो, क्या बात है क्या कमी रह गई, कोई सफाई कोई मेंटेनेंस कोई ग्रंथ कोई कोई व्यवस्था। मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ, बोले बोलो क्या चाहिए। मैं अभी ये समझ रहा हूँ कि ये काम हुआ नहीं तो आप आज्ञा दे तो मैं करें। अरे हाँ आप यही सोच रहे, मैं प्रफुल्लित हो गए जब उनका काम कर रहे अब आ गए, अब बस मैं भी निश्चित, अब तुम भी निश्चित। निश्चिंत तो करो पहले, ऐसा आप तो हमारी सुन लो, फिर हमें पढ़ाई करना है, फिर हम क्लास में जाना है, फिर हमें वो करना है, फिर आप हमारी सुन लो, 2 मिनट की बात है बस। तो भाई 2 मिनट की बात है, सामने वाले का तो देखो। तो उसमें लिखा है जब गुरु बहुत शांत बैठे हो व्यवस्थित बैठे हो तब किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो नहीं, यदि चेहरे में कोई तनाव है तो नहीं। होते व्यवस्था करते संगठन में बहुत तनाव भी होते हैं, सब तरह की बात होती है। थोड़ी देर पहले कोई ऐसा व्यक्ति आया कि वो मुनिराज पढ़ ही नहीं रहे और आचरण भी अच्छा नहीं कर रहे, तो अभी उनसे थोड़ी सी जोर जोर से वो कुछ हो गई, बड़ा डांट दिया फटकार दिया दंड दे दिया, अच्छे तो थोड़ा छो गए तो नहीं। आप शांत तो होने दीजिए, पंडित साहब बहुत सिखाते हैं, छोटी छोटी बातें सिखाते हैं पंडित साहब। जैसे पंडित साहब प्रवचन के लिए कोई बुला नहीं जाएगा, देखा हुआ तो कभी करो हमारे तो पंडित साहब को बुलाने के लिए निमंत्रण। अब ये प्रथा पूरे देश में नहीं है, ये प्रथा केवल हमारे में, तो हमें बड़ी अटपटी लगती है। क्या आपका प्रवचन टाइम हो गया, आप आ जाओ, नहीं आपके प्रवचन टाइम हो गया आप आ जाओ। अपन तो ऐसे ही करते अपने प्रवचन टाइम होता पहुंच जाते सर, तो
तो समझा इस बात को, तो उन्होंने उन्होंने कहा देखो कई बार अमायन होता है ना, तो कोई व्यक्ति 10 मिनट बाद आने वाला है गाड़ी रास्ते में, वो आ जाए तो हमारे सामने वो खटपट नहीं होगी व्यवस्था बैठना उठना, तब तो प्रवचन करो, आ जाए बैठ जाए सेट जाए, अब सब सेट होगा, कोई नहीं आने वाला। अब हमें बता दो कि इस तरह की व्यवस्था है, वहीं चल कोई बीमार है, मतलब मैं बीमार हूँ बेड के सेवन में, मैं बीमार हूँ, तो मैं ऊपर कमरे में सो रहा था, अब पंडित साहब को बता ही नहीं कोई बात, प्रवचन के बीच में उन्होंने नजर की सुमत कहाँ, तो पूछा सुमत कहाँ, बोले तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं हो तुम सब यहाँ बैठे हो, उनके पास कौन है, उनके पास कौन है, बोले कोई नहीं, बस ये साधारण बात चल रहा, ये तरीका है तुम्हारा, यदि एक साधारण भाई बीमार है सब यहाँ बैठे, उन्हें कोई जरूरत हो दिक्कत चलो एक उठ के जा, और पहले क्यों नहीं बताई ये बात, ताकि हम निर्भी कल होकर प्रवचित करती, इतनों के बीच में इतनी बात भी ना होती, समझ गए, मतलब वो क्यों कहलाना, ऐसा नहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए उन्हें, वो नहीं भाई, इतना भी विकल क्यों कराया, 1000 बार कह दिए पहले बता दिए तो आज फला नहीं आ पाए, आयु भी तभी ठीक नहीं, ये तबीयत खराब थी ये हमने दे दिया, और एक भाई को उनके सामने रख दिया, कह दो कोई दिक्कत थोड़ी है, इतनी सी सूचना में सारा प्रोसेस ठीक चलता रहेगा। अब मान लो 10 आदमी एक्स्ट्रा आ गया, अब 10 आदमियों के लिए चौकी नहीं है, पलंग जी मतलब नहीं बैठने की व्यवस्था, अब वो तुम हमारे सामने खटपट करोगे, या वो जमीन पर बैठेगी ठंड में, हमें फिर विकल्प होगा 10 लोग ठंड में बैठे, तो पहले पता नहीं था, जब तुम पहले फोन आ गया इतने लोग आने वाले, प्रवचन के टाइम तक तो बैठा रहे, पहले व्यवस्था कर ली थी, मतलब ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें होती है। पंडित साहब जहां विराजते ना, वहां सामने सूरज आता है पूरा में, तो दूर बात ही अब वो आंखों पर लगने लगती, तो तुम्हें विकल्प नहीं आता कि थोड़ा सा पर्दा डाल, मतलब अब खुद सोचो ये बिना है, तो ये लिखा है सब गुरु बहुत शांत स्थिति में, उनके चित्त शांत हो, तब उन्हें अपने दोस्त बताओ क्यों, फिर तुम कहोगे हमारे साथ अन्याय हो गया, मतलब हम बहुत गुस्से में बैठे हो, तुमने अपने दोस्त बताया जाओ ऐसे कर लो, हम गुस्से में कह दी तो तुम्हारे अन्याय हो जाएगा ना, तुम्हें शांत चित्त हो, भीड़ भाड़ ना हो, अकेले में हो, विनय सहित हो, इसे लिखा है सब, एक पढ़ लो छंद 44 पेज है नीचे का छंद है, अच्छा छंद है, इसका अर्थ करते हैं अपन फिर अगली गाथा लेंगे, वृंदावन दास जी की 2 छंद है बहुत अच्छे अच्छे, वैसे तो जो सरल है वो आप पढ़ लेना, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनके अर्थ करेंगे, वो मिल गया सबसे नीचे, जिस मुनि का उपयोग पढ़ी, जिस मुनि का उपयोग सुगट में अंग भयाहि, रागादिक मल भाव लागि गया हे, तिनके हेत उपाय जो जिन मार्ग के माही, जति क्रिया अति प्रवहि मुनि राज कहाई, तिनके ढिंग जाय सो अपनो दोष प्रकाश विनय कर, जो कहे दंड सो करे तिबि तव हुए शुद्धाचार धर, जिस मुनि का उपयोग सुगट में भंग भया है, फिर क्या लिखा है, रागा अधिक मल भाव रतन में लाग गया है, रागा अधिक राग द्वेष वो आदि सम्यक चारित्र में लग गया दूषण, रागा अधिक मल रतन में लाग गया है, क्या तुम्हारे हाथ में रत्न नहीं तीर और उसे दूर लग जाए, क्या कर रहे हमारी बस की नहीं है, कहां तक लग करी, अरे कैसी बात कर रही, तीर रत्न है धूल लग गई तो समझ गए, अब तो दिक्कत ये है मिथ्या दृष्टि को ये बात समझ में नहीं आती, रत्न हो तो समझ में आए, सब दर्शन ज्ञान चाहिए तो तुम खुद
तुमसे नहीं सफाई हो रही थी तो पूछो कि हम 1 घंटे फूक रहे, अरे फूक रहे थोड़ी जाएगी, ऐसा कर। समझ में आया? अब गुरु की जरूरत क्यों पड़ती पता है? समय साजी में गाथा है, मोहाविष्ट ज्ञान। लोक नीति में कहते हैं अपना घाव अपना अपना फोड़ा खुद से नहीं फूटता। अपना फोड़ा तो फोड़ सकते हो, ऐसे बढ़ गया बच्चा, फूल गया बच्चा, तुमसे तो खुद सर्जरी नहीं होगी उसकी। उसके लिए कोई योग्य करुणावंत गुरु चाहिए। करुणावंत समझ गए? समझे नहीं हो? योग्य करुणावंत समझ गए? उनकी निर्दयता दिखेगी सबको, लेकिन वो करुणावंत है। समझ गए? कैसे फोड़ेंगे फोड़ा? हट हट, उधर देख उधर देख उधर उधर पकड़े उसको, देखा नहीं फोड़ा? वो फोड़ा फोड़ा देखा है? पकड़ो इसके हाथ पांव, रो रहे रो और रो, ये करुणावंत है। पकड़ लिया, दबा के ऐसे चीरा लगा दिया, जोर निकाल दिया, हुआ जाओ अब खेलो। कुछ समझ में आया? जैसे फोड़ा होता है ना, ऐसे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा तो अभी गुरु आपको दंड देकर के फोड़ा फोड़ेंगे। गुरु जोर से बोलना पड़े तो जोर से बोलेंगे, डांटना तो डांटेंगे। प्राशित देना प्राशित, मतलब सब विधि है उसकी। भगवती आराधना में या जो भी ग्रंथ हो, हमने तो सब पढ़ा जैन सिद्धांत कोष, उस जैन सिद्धांत कोष में लिखा है, धन है वे गुरु जो लातों से ताड़ना दे करके विशेष के दोष निकालते। मैक्सिमम मैक्सिमम आचार्य को शिष्य को लात नहीं मारते, ध्यान रखना। लेकिन एक प्रशंसा लिखी है, हम उसमें आधी लाइन और जोड़ दे रहे ताकि उसकी महिमा आपको ज्यादा आ जाए। धन है वे गुरु जो अपने शिष्यों को लातों से ताड़ना दे करके भी दोष निकाल करके उसे तले पहुंचा देते, भगवान बना देते। फिर अगले उसके पास में लिखा है, और वे गुरु करोड़ों शत्रुओं से भी बड़े शत्रु जानकर दूर से ही तज देने चाहिए, जो शिष्य के दोष ना निकाले और ना बताएं और मीठा मीठा बोले। पढ़ लेना उसको, जय सिद्धार्थ, मीठा मीठा बोले, बढ़िया। हाँ बेटा कोई बात नहीं, पंचम का कोई बात नहीं बेटा, तो इच्छा तो होगी, सही बात है, खा लो खा लो, कोई बात नहीं। लिखा है तो मोहाविष्ट ज्ञान, समझिए शिष्य का ज्ञान मोहाविष्ट है, वो सम्यक निर्णय नहीं कर पाता। आगे पीछे भी कर लेते हो, कई बार देखा तुमने, आगे पीछे सोचते ही गलत, आगे पीछे सोचते हैं गलत है, और खाते समय भूल जाते। वेद के परिणामों में आगे पीछे सोचते हैं बहुत गलत है गलत है, उस समय भाव आते तो उस समय जाने हो से नहीं रहता। इसीलिए गुरु चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान मोहाविष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सम्यक ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान ज्ञान उपयोग वाले हैं। व्यवहार से बोलो, क्योंकि वो करुणावंत है। क्यों? थोड़ा और बोलो, सवाल की तरह हल करते हैं। क्यों है सवाल लगाते? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आत्मा देखती है, तुम अपने आप हिमांशु देखते, दिक्कत है। गुरु तो आत्मा देखते, बहुत बेकार है। इनके पास 2 महीने रहे, 10 किलो वजन घट गए, अगली बार आएंगे तो हड्डी हड्डी रह जाएंगे। हम भी मैं तो शरीर देखती है, हमें देखता है कि आत्मा का कितना प्रक्षालन हो गया, आत्मा कितना चमक गया। ये गुण तुम्हें सदा सुखी सुखी करेंगे। अब इतनी पहचान करो आप गुरु की, जो तुम्हें आत्मा देखते हो। अब आत्मा नहीं देखते, खाओ खाओ बेटा खाओ पियो। अच्छी भाषा में बोलो जरा, जो गुरु मोह को पुष्ट ना करते हो। अज्ञानी तो मोह के अनुसार चलना चाह रहा है, लड़ाई क्यों होती शिष्य और गुरु में? गुरु शिष्य में लड़ाई क्यों होती? लड़ाई मतलब वैसी लड़ाई नहीं, दुर्विकल्प। दुर्विकल्प क्यों आती? देख ले, जब जब तुम्हें दुर्विकल्प आ रहा है देख लेगा, तुम वो ही के अनुसार सोच रहे हो। हमारी भी तो इच्छा है सब लड्डू खा रहे तो हम ना खाए,
सबने नए नए कपड़े पहने, हम ना पहने, मतलब सब लोग हंसी मजाक कर रहे, हम नहीं कर, क्यों? जो पिताजी तुम्हें डांट फटकार, बट पढ़ो या 5 घंटे आज उठियो नहीं, जब जब तुम्हारा गणित पूरा नहीं हो जाए। अब सब बच्चा खेल रहे, तुम्हारे घर के भैया सब खेल रहे उधर, और पापा जी उनसे कच नहीं कहे, तो लगता है सब खेल रहे है, खेल रहे हो, खेलन दे। मैं उसी क्लास में था, मेरे सबसे छोटे भाई में छोटी क्लास में, मान लो हम छठी में थे, हम लोग कक्षा 1 में थे, तो हमें घर में डांट पड़ रही तो पढ़ाई करो, हमें ऐसे ही कहो ही पढ़े, ये तो पक्षपात है, ये तो खेल रहे आराम से, हम पढ़ रहे 4-4 घंटा, नहीं ये भी 4 घंटा पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं सरीखती मत करो, समझते, सरीखती मत करो, मैंने उसकी समानता मत विचार। वो तो कक्षा 1 में पढ़ रहा, उसका है कितना सा सिलेबस, साल भर में 365 दिन पढ़ता है, 1 से लेकर 17, 2 से लेकर 5 तक के पहाड़, साल भर में 365 दिन पढ़ता है, तो उसकी तो परीक्षा ऐसी हो जाएगी, तुम्हारी थोड़ी है उसकी, तुम छठी में हो, तुम अपने हिसाब से पढ़ो। कैसे यहां पर दूसरों की ओर मत देखो, आप अपने शरीर मत देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखोगी तो ये बिना भाव प्रकट होंगे, रागादि मल तुम्हें रतन में से हटाने की विधि चाहिए, समझ गए? शिष्य मुआविष्ट है, गुरु मुआविष्ट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट बताए गुरु के, उन्हें तुम्हें वो आत्मा देखते हैं, इसलिए तुम्हारे दोस्त दूर करना चाहते हैं, तुम्हारे दोस्त दूर करना है, तुम्हें आत्मा नहीं दिखती, नहीं दिखती, अब नहीं दिखती, वो तो सही बात है, नहीं दिखती, इसीलिए मोक्ष मार्ग में कम से कम 4th काल में भी ध्यान रख, 2 तरह की मुनिराज होती है, एक स्वयंभू मुनिराज होती है, स्वयंभू मुनिराज उन्हें कहते हैं जो उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं, इसलिए वो अलर्ट रहते हैं, उनकी गलती नहीं होती, उनकी गलती कोई पकड़ ही नहीं सकता, गलती होती है खुद ही मिटाते हैं, यहां तक कि समाधि के टाइम भी उनके पास कोई नहीं होता, अपने आप ही करते हैं समाधि, इतने स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू दीक्षा भी स्वयं से ले लेते हैं। और दूसरे मुनिराज हैं जो इस परंपरा से चलते, उस भाव में मोक्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मोहाविष्ट है तो जब तक मोह दूर नहीं हो जाए तब तक गुरु के पास रहना, रहना बस, मोह दूर नहीं हो जाए तब तक, तो दूसरे प्रकार के हैं, उनकी चर्चा यहां हो रही, मैं बीमार था ना, मतलब 18 दिन तक नेचुरोपैथी सेंटर में रहे, तो जैसे तुम्हें लगता है हमें भी लगता है, तो एक बादाम भी नहीं खा सकते, एक बादाम में क्या दिया है, इतनी चीज तोड़ दिए, किसमें से ले फल, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ लेने का भाव आ रहा, तो मैं तो खुद से निर्णय नहीं कर रहा, क्यों मुझे पता है मैं निर्णय करूंगा तो ले लूंगा, ये मैं खुद से निर्णय नहीं हूं, मैंने अपने जो भैया थे अमित मोदी, हमने उनसे पूछते थे, मना कर रहे थे, ठीक है नहीं लेंगे, इतने से नींबू का जाता है, नहीं डॉक्टर ने मना किया, इतना सा भी नींबू नहीं लेना, तो नहीं लेना, मैं नहीं लेना, समझ है? तो हमने अपने भैया को रख दिया, छोटे हमसे लेकिन हमने उनको रख दिया, क्यों तुम अभी निष्पक्ष रहोगे, हमारा मुंह पे आएगा कुछ खा लो, मुंह का तो ऐसा अभी इतनी बता इतनी मुंह कर लिया, ऐसे बिगाड़ता चला जाए, तुम बोलो क्या करना, समझ गए? इसलिए मोहाविष्ट यदि ज्ञान है तो सिर पर गुरु होना ही चाहिए, वे ही निर्मोही होकर के आपका इलाज करेंगे, ठीक? तो क्या कहते, तिनके हेत उपाय, तिनके हेत उपाय मतलब वो राग आदि लग गया था उसे दूर करने के लिए, जिन मार्ग के माही मन मोक्ष मार्ग में जति क्रिया में अति प्रवीण, जो अति प्रवीण है, एक्सपर्ट है, जति क्रिया में माने 28 गुरु पाल लेंगे, यदि क्रिया में मुनि दशा की क्रिया पालने में अत्यंत प्रवीण है, ऐसे महाराज कहा ही मन कहलाते हैं। अब ये है खास, तिनके ढिंग जाय सो आप नो दोष प्रकाश से विनय कर, अब इसकी चर्चा तो 1-2 घंटा और भी हो चल सकती है, अपने दोष प्रकाश से विनय कर, मेरी इच्छा तो यही कि जिसपे ज्यादा बोला जाए, तो सबसे ज्यादा खतरनाक यही स्थिति है, जो प्रकाश से विनय कर, इस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है, वो साहब आज ऐसा दोष हो गया, तुम्हें बोलने पर गुरु नाराज हो सकते, दोष हो गया ऐसे कह रहे जैसे सूचना दे रहा है, कुछ हुआ ही नहीं,
तुम्हें कुछ लग रहा है अंदर? क्या कौन सा दोष भाई, सूचना दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो कि मिटाने के लिए क्या है? क्यों तुम्हारा आज रात को सिर दर्द हुआ मेरे घर? ऐसे बोलोगे हंस करके? वो आज सिर दर्द हुआ, गैस बढ़ गई, डॉक्टर से कैसे बोलोगे? तुम्हें वो सिर दर्द हुआ है, गैस बनी है, उसकी पीड़ा? अरे डॉक्टर साहब अचानक रात में 1 बजे ऐसी हो, क्या क्या बताए? अब तो फिर भी थोड़ी राहत है, लेकिन उस समय तो भगवान जाने तो कुछ बोलने की स्टाइल है कि नहीं है। रोग के बारे में तो ऐसे बोलते हैं बिल्कुल, पर दोष के बारे में वो क्रम बद पर्याय में हो गए। वो तो गए थी, हम तो गया थे, वहां तेरे गए गया ससुराल की बातें बनाता है। यह बहुत सारी चर्चा है विनय कर, जैसा दोष हुआ वैसा बता। हाँ तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो तो हटा दी परेशानी, बेटे ज्यादा परेशान नहीं हो, ऐसा दोष कौन बने? और बिल्कुल ही तुम लाइट ले रहे हो, ए क्या कर रहे हो? छोटा सा दोष भी बहुत खतरनाक है। कुछ कह रहे हैं हम, कल भी चलाई थी चर्चा, दोष छोटा बड़ा नहीं होता है, दोषों को आप देखते कैसे हुए छोटा बड़ा होता है। क्या बोला? दोस्त छोटा बड़ा नहीं होता, तुम उसे कैसे देखते हो ये छोटा बड़ा होता है। क्यों? छोटा दोस्त और बड़े दोस्त की परिभाषा क्या है? 1 किलो घी डूल गया सब बड़ा दोस्त, और 1 बूंद घी डूल गया तो छोटा दोस्त? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। तुम कैसे देखते हो उसे? 1 किलो घी की कांच की बाल्टी, और बहू ला रही थी और नीचे कुछ पड़ा था, स्लिप हो गई और 1 किलो घी डल गया, कांच का बर्तन भी फूट गया। छोटा दोष है, जानबूझ के नहीं किया। और बहू रोने लगी, रोने लगी, अरे कहाँ रो रही बेटा, डल गया हाथ पैरों में तो नहीं लग गई? जी देखो घी कोई बात नहीं बेटा, चोट लग जाती है तो हड्डी मसी टूट जाती, 2 महीने बिस्तर पड़ी रहती, पलक पैसा लगती, अपन तो उधर से देख रहे घी फूट। चला कोई बात नहीं, अम्मा अभी 1 किलो घी खत्म हो गया, घर कैसे चलेगा? चुप चुप रहे, कोई से कसी मत कर, हम चला रहे। कैसे चला लोगे? अरे 4 किलो घी चलता है, सबकी रोटी में एक ही बूंद कम देंगे, 1 किलो एडजस्ट हो जाए। छोंक में थोड़ा कम बढ़ कर देंगे, थोड़ा तेल की छोंक लगा देंगे, कभी कभार बनाने तो अपन है। अब जो ओवन कर दिया उसका, बहू भी रात हो तो बहू कैसे खुश नहीं हुई? अम्मा तो अगले महीने फिर फोड़ दो, अब जी दोस्त बड़ा हो जाएगा। वो हंसने लगे, घी डुल गया, हमारी कोई गलती नहीं, जब यहाँ पढ़ो तो देखो हम गिर पड़े, हम कांच बर्तन फूटे, हमारी क्या गलती है? ये तो फिर बड़ी गलती है। यदि तुम रो रहे हो, दुखी हो, उदास हो, सचमुच तुम्हें लगता है कि तकलीफ है, तो सासू उसी समय, नहीं बेटा कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, एक काम करो घी समेट ले रहे, जिस काम आएगा उतना आ जाएगा, खाने में नहीं आए तो और काम आ जाएगा, कुछ लगा लेंगे, पैसा समेटो, आँच नहीं लगा दिए बढ़िया है, हड्डी पस नहीं टूटी। और उल्टा होता था, हंस रही होती तो हाओ, अगर पैर में फुट गिर जाए तो टांग टूटी से पता लग जाती, अगर कांच लग जाता तो रोती बैठती, अभी हंस रही हो तो दिखा दे, घटना वही है, देखने का एंगल तो है, समझ गए? ध्यान रखना, शिष्य अपने दोस्तों को लिखिए विधि, पढ़ना भगवती आराधना विधि लिखिए। हे प्रभु मुझ जैसा पामर नीच दुष्ट आपका शिष्य, ऐसा दोस्त कोई सह सामान बालक भी नहीं लगाता हो जो मेरे से लग गए। हाय हाय धिक्कार है मुझे, घर में क्या खाने पीने की कमी थी जो मुझे भोजन मेरा सारा है, ये भोजन का रस मेरे चिदानंद का रस को घात कर देगा, मैं संसार सागर में रखड़ जाऊंगा। आप मुझे रसना दी के रस से छुड़ा लो, करुणा निधान मुझे ऐसे निकाल दी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ ये खाने पीने के लोग, ऐसी ऐसी बात है। अब सोचो कैसी भाषा बोलते हो, तब फिर भी आलोचना मत करते, कोई बात नहीं, इतनी फीलिंग तो मैं, एक काम करो हम ट्रिक बता देंगे तुम्हें, ऐसे कर। एक व्यक्ति बोला कि हम बहुत खाते हैं, ओवर खाते हैं,
आपका अगर 10 लक्षण की बात है, 10 लक्षण ना, तो बहुत परेशान होते हैं, दिन भर प्रमाद रहता है, प्रभुचरण में नींद आती है, वो क्या खा लेते हैं ओवर, और फिर गला भी सूखता है, और रात को भी परेशानी होती है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, तुमने तो पूछ लिया जी, अच्छा था। क्योंकि 10 लक्षण वृद्धि क्या होती है, सबसे पहले खूब खा लो हलवा, खीर, रोटी, दाल, जो कुछ बना है सब सब खा लो, बाद में पानी पियो, गड़बड़ है ये। तो हम एक काम करो, तुम सबसे पहले दूध पी लो खाली पेट, 24 घंटे में एक आ रहा है ना, तो पहले दूध पी लो, दूध के बाद 2 गिलास पानी पी लो, 3 गिलास पानी पी लो, फिर थोड़े से दाल चावल खा लो, फिर एक आध रोटी खा लो, अब लार खत्म कर दी सब, अब लार खत्म हो गई, शुरू में सब खाते खाते खाते, अब जगह बची कहाँ, तो एक आध रोटी में काम चल जाए, माना तो इतना साल बच गई, थोड़ी खीर खा ली, थोड़ा थोड़ा कर ले, पानी पर्याप्त पी लो, 70-30 हो गए, अब तुम्हें तो कोई प्यास नहीं सताएगी, आराम से रब 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आराम से। अब मान के चलो गरिष्ठ भोजन बना लिया, लड्डू बावला, अब वो फिर टेस्टी है, तो एक तो खाओगे नहीं, आधा तो खाओगे नहीं, पहले 2-3 खाओगे, फिर उसके साथ एक्स्ट्रा आइटम तो खाओगे ही, एक्स्ट्रा आइटम भी खा लिया, अब पानी की जगह नहीं बचती, इसलिए तकलीफ होती, पानी की जगह ही नहीं बचाई तुमने, और क्योंकि कुछ पहले से वो खाया लड्डू बाबला और टेस्ट ही लग रहा है, तो पूरा स्टमक तो तुमने उसे ही भर लिया, पानी की जगह नहीं बची, अब तो पी भी लो एक आध गिलास, बड़ी परेशान हो, हम भोजन की विधि सीखो, हर चीज सिखाई जाती है, आप ये नहीं समझ सकते दीक्षा लेने वाले मुनिराज को कितनी बातें सिखानी पड़ती होंगी, जैसे हम तुम्हें सिखा दे चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना, ऐसे मुनिराज को सिखानी पड़ती। अच्छा, बार बार गलती होती, बार बार, जैसे खटाई अच्छी लगती छोटी उम्र में, बड़ी उम्र वालों को खटाई इतनी अच्छी लगती, छोटी उम्र वालों को बहुत अच्छी लगती, और चटनी मिली तो हाथ ही बंद, और उन्हें इतनी सारी दे दी तो अभी उन्हें हाथ खोल दिया, इमली की चटनी, अब खा तो ली उन्होंने लेके, अब बता रहे, अब हम परेशानी हो रही, कहे तो क्या खा तुम, अब क्या बता, इमली चटनी अच्छी बनी थी तो उन्हें इतनी सारी तो पहले ही दे दी, और हमने सोची इतनी सी और दे दे, हमने तो इतनी सोची, उन्हें और पूरा ही खोवा भर था मेरे से, अब फेंक सकते नहीं थे, खा ला पूरा, सब सिखाना पड़ता है, तो जैसा दोष हुआ आप ज्यों गति प्रकाश, विनय कर प्रकाश से, प्रकाश से, प्रकाश से मानी स्पष्ट दिखा, ऐसे नहीं बहुत ढकी मनी बोल, आज खाया हमसे गलती हो गई, मुझे इतना बुरा लगता है कोई बोलता हमसे गलती हो गई, अरे तो हमें पता ही गलती हो गई, तुम आगे बोलो ना, हम बताएं, अरे तो बताओ ना, इतने सारे आपको पता है झूठ वो मायाचारी बोलते करता है ना, वो भर्ती के सामने बहुत बोलता है, भर्ती समझते हो, भर्ती के सामने, अरे सीधे सीधे बोलो ना, मुझ जैसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, जितने खोटा काम मैंने किया है, ऐसा सोचा है, ऐसा बोला है, ऐसा खाया, सीधे बोलो ना, क्यों डॉक्टर को रोग कैसे बताते हो, सॉल्ट एंड स्वीट, रात को डकार आ रही, खट्टी खट्टी आ रही, ऐसे शक्कर आए, ऐसे बोलो, अब कछु नहीं, संध्या को पकौड़ा बनी थी सामने, एक घान खाए ले, फिर जे नहीं मानी इनने और खुआ ले, हमने पानी पीला, तब तो कछु नहीं, फिर हम रात के सोए थोड़ा थोड़ा लगा, फिर रात के 1 बजे, अरे कितनी रामायण का सुना रहे, देखा हमने भर्ती के साथ बोलती, डॉक्टर पूछे क्या खाया था, कछु नहीं, पहला समझे कछु नहीं, जी क्यों बोल रहे कछु नहीं, पंडित साहब बहुत मैंने स्पष्ट कह रहे, ऐसे मत बोलो, टू दी पॉइंट बोलो, मैं तो इसीलिए फोन छोड़ा, सही बता रहा, मुझे इतना बुरा लगता है कि भर्ती के साथ लेना एक ना देना, वो एक बात को 4 बार रिपीट कर दे, एक बात को 1 बार बोल, नहीं तुम पे भी टाइम बेकार है, उन पे भी टाइम बेकार है, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करना है, उन्हें टाइम बर्बाद करना है, रियली बताना, तुम घड़ी लगा के फोन पे बात कर, पहले पैसे लगते थे उसके, तो यहां से घड़ी दिखती जाती थी, 1 मिनट 40 रुपये हो गए, 80 रुपये हो गए, एकदम टू दी पॉइंट बात कर रहे थे, अब तो ये फ्री टू फ्री लगी, बस
नोट करके देखना कितनी टू दी पॉइंट बात होती है, हमारी बस की नहीं हुई है। और इसीलिए तुम लोग हमारी बात समझ ही नहीं पाते, हम टू दी पॉइंट बोलते फटाफट बोले छुट्टी, प्रवचन में टू दी पॉइंट बोले छुट्टी। अब तुम लोग तो ये सोचते हैं अभी तो भाई साहब भर्ती के शब्द करेंगे, पहले प्रस्तावना बनाएंगे प्रवचन है, हम थोड़ी बनाते प्रस्तावना, हमें कोई आम पब्लिक बैठी है पहले बिल्कुल उनका मानस बनाओ, अकेले में भी चर्चा करें टू दी पॉइंट बोले, आप पकड़ने की कोशिश करो और टू दी पॉइंट बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। तो गुरुजनों के पास विनय कर प्रकाश से, प्रकाश में बहुत ताकत है जीव का, एमआरआई एक प्रकार से एमआरआई आ जाना चाहिए ज्ञान में। कई लोग हमसे कहते हमने आपको बता तो दिया था, ऐसे ऐसे बताने का नाम बताना नहीं है, प्रकाश मन स्पष्ट दिखना चाहिए कि तुम्हारा दोष मन का कितना है, वचन का कितना है, काया का कितना है, निमित्त का कितना है, उपादान का कितना है, तुम बहुत गड़बड़ है, अभी हम बता नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, एक दो तीन चार घंटा भी लगे तो हमें ये बता नहीं, क्योंकि हम उस तरफ चल रहे हैं ना, इसलिए हम जानते हैं सुनते हैं पढ़ते देखते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा दृष्टांत देंगे। हमने किसी से पूछा क्यों जीवन भर में क्या गलती करी, कछु नहीं, पहला नंबर कछु नहीं, तुम तैयारी करके आओ कछु नहीं मत बोलो, आनंद दोष है, हाँ आनंद दोष है। अब जो दूसरी अगर लीपअप होती मेरे में तो अनंत दोष है, तो हम क्या करें अनंत दोष का, तुम्हें तो कौन सा मिटाना वो ही बता रहे, बताना तो चाह रहे लेकिन शब्द नहीं, मरो तो सही, हाँ यहां से बोलोगे हम शब्द ही नहीं, तो तुम इतनी देर से आएगा ही तो एक मिनट भी बर्बाद मत करो, गुरु का आचार परमेश्वरी का एक मिनट भी बर्बाद मत करो, ये तपस्या है मेहनत है यार, सोचो जैसे जैसे दोस्त बताना भी शुरू किया, हम तो कछु जानत नहीं थे, नवी दसवीं में मोड़ा मोड़ी पढ़ते उन्हें बिगाड़ दा, अरे यार तो उन्हें सुधार उन्हें बुला लिया तो क्या कह रहे बता, मैंने जी बोलने का तरीका नहीं, जी कह रहे हैं विनय कर प्रकाश है मैंने स्पष्ट तस्वीर तुम अपने मन में चमका ही बता, निमित्तों का दोष मत दे, कहा बताए पंडित जी दसवीं तक तो हम कच्चू नहीं जानते, फिर ग्यारहवीं हम दुकान में बैठने लगे तो सामने चाट वाला था मिठाई वाला था, तो हम क्या करें चाट की दुकान बंद करा दे, ऐसी बात बोलो सार्थक जिससे तुम्हारा इलाज हो, प्रकाश में इतना स्पष्ट शब्द होना चाहिए, फिर भी जो कहेंगे उसे दंड को ग्रहण करें, अगली लाइन में क्या लिखा पढ़ो, अगली लाइन क्या लिखे सर, फिर जो भी दंड देते हाँ यथाचार है धर्माचार शुद्धाचार, तब वो शुद्ध आचरण को धारण करेगा, जो भी दंड देंगे उसको धारण करेगा तो शुद्धाचरण को धारण करेगा वो, एक बात समझ लो भैया, क्या तो अभी थोड़ा शॉर्ट में ही रहा हूं, टाइम हो गया बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, कोई भी ब्रह्मचारी हो, हम तो ब्रह्मचारी मुख्यतः कह रहे वही राजा होता पर क्या उपदेश देंगे, आचार्य अमृतचंद स्वामी के उपदेश है, तो उन्हीं के शब्दों में आचार्य महिराज हम कह रहे हैं समझा, हम तुमसे कह रहे हैं अयोग्य बनकर जीना माने अपने साथ छल दुनिया को ठगना, अयोग्य बनकर कभी मत जिया, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ब्रह्मचर्य की आड़ में पाप करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको आनंद नहीं आएगा, और फिर तुम ब्रह्मचारी के नाम पर सुविधाएं पूरी लोगे, चरण स्पर्श करेंगे वो तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, तुम्हारे प्रवचन करा रहे वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छे खिला पिला रहे वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, अपात्र बन करके पात्रों की सुविधा लेना मोक्ष मार्ग में चोरी है, प्रतिष्ठा की चोरी है, पूज्यता की चोरी है, क्या बोल गए, अपात्र बनकर पात्रता की सुविधा मत धावा, नहीं तो लिखा है 99% त्रियंज गति में चले जाओगे, इसके सिवा कोई दूसरी रास्ता नहीं, त्रियंज गति ही है, इसलिए लिखा है वो इतने करोड़ निगोद में जाएंगे, ऐसे नहीं लिखा मतलब किसी ने कटाक्ष करके, तुम बताओ यही तुम्हारी नजर में पात्र हो, तुम्हारी सुविधा का लाभ तुम्हें कैसे लगे बताओ, अब इसका कर्म का उदय सोचो, तुम भी काम करते हो ना, तुम्हें योग्य सत्कार नहीं मिलता, योग्य लोग नहीं मिलते,
ऐसे ऐसे वो मिलते हैं ऑफिसर, तुम्हें परेशान करते हैं। ऐसे न्यायाधीश मिलते हैं, तुम्हें न्याय नहीं मिल पाता। ऐसी पुलिस मिलती है जो तुम्हें सहयोग नहीं करती। क्यों? तुमने जैन शासन की आड़ में अपात्र होकर पात्रों की सुविधा का लाभ लिया। पत्नी नहीं मिलेगी योग्य, तो वो आपके योग्य सत्कार नहीं करेगी। क्यों? आपने भी तो अशुद्धात्मा का सत्कार नहीं किया। इसे बहुत बड़ा अपराध है अपात्र होकर के पात्रों की सुविधा का लाभ लेना। कर्णानी से बहुत विचार करना, आप सर्वत्र दुखी हो गए। किसान ऐसे तो फिर कोई दीक्षा ही नहीं ले पाएगा, लेगा ना? कमी को कमी जाने और कमी को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाए, वे सब पात्र हैं। जल्दी कहेंगे क्या कहा? कमी को कमी जाने, कमी को छिपाने की कोशिश नहीं करें, कमी को मिटाने के लिए अपना 100% देने की कोशिश करें, वे पात्र हैं। जो अपने दोष मिटाने के लिए सदा तैयार हैं, वे मोक्ष मार्ग की सुविधाओं के पात्र हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, छिपाने वाला तो मैंने ये समझो अपने ही साथ अनर्थ करता है, दूसरों का तो क्या करे। मैंने कल भी कही थी, अभी भी करे, जो अपना हित चाहते तो गुरु हमें दोष मत देगा, गुरु में पक्षपात का आरोप मत लगा। गुरु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सब बता चुके। कर्मों के उदय में आपको होता है, आपको अपनी गलती नहीं दिखती, इसलिए आपको पक्षपात लगता है। सीता ने पक्षपात का आरोप नहीं लगाया किसी पर, रामचंद्र जी पर या कर्मों पर। क्या कहा? सीता जी राम और कर्मों पर आरोप नहीं लगाया, और गांव वालों पर आरोप नहीं लगाया, नगर वालों पर। कैसे लोग हैं, इनकी इतनी सी बात के चक्कर में हम तो फिस गए, इनकी इतनी सी बात में हम फिस गए, सीता कितनी फिसी। नहीं, अपने ही कर्म का होना है। के दियो सतियन दोष, के सतगुरु निंदियो, या दियो सतियन दोष, बिन कारण प्रभु क्यों तजी, सीता बिन वे। मैं पढ़ लेना पाठ, हमें याद नहीं, थोड़ी थोड़ी शब्द बता रही। बिन कारण मुझे को तजी, या तो हमने सदगुरुओं की निंदा की होगी। बहुत आसान है निंदा करना, ध्यान रखना बेटी, किसी के बारे में कह देना बहुत पाप लगता है। अब अपन अपनी कमी नहीं देख पाते, ये बहुत खराब, ये बहुत खराब, ये बहुत खराब। भैया आए थे, भाई पहले वाले भैया बहुत अच्छे थे, वे तो बहुत अच्छे रखते थे। इस बार आए, तुम आए 2 मिनट हुए नहीं, और थोड़ा लगने दिए भैया खराब। मैं तुम्हारे मुंह के अनुसार खिला पिला दे, सब समझ गया अच्छे। मैं झट आ रो, ये भैया इतनी जल्दी आ रो, पहले रहो 5 साल में, फिर तुम न्याय करो। बिना परखे किसी के बारे में मत बोलो, और नहीं तो मानो तुम कौन सी भाषा बोलो, वो भाई साहब के आसपास सब लोग खराब, तुम अच्छे हो, सब खराब है। मैंने देख लेना, आप ऐसी भाषा सुनने को मिलेगी आपको। घरों में भी यही होता है, वो बड़ी बहू बड़ी खतरनाक है, उसने सास को कब्जे में कर लिया, और तुम्हारी भाषा बता रही तो बहुत खराब। हमारे पति तो लल्लू है, अभी जेठ है, अरे मैं सच कहता हूं, मेरी आर्ट ऑफ लिविंग अलग है। समझते ही बहू को कभी संपत्ति के चक्कर में नहीं सोचना चाहिए, सबका हृदय खुश करके दिल जीत लेना चाहिए। यदि संपत्ति चाहिए तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से बस सोचो दीवार के भी कान होते। जब जेठ के बारे में तुमने अपने पीहर में कुछ कहा, इमेज बनने के बाद, इमेज इमेज बन जाती ना, तुम्हें सीधे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जेठ को देखते से उनकी आंखों में अंतर आ जाए। हाँ आओ, कहो क्या चल रहा है, वो बोलिंग स्टाइल बदल जाएगी उनकी, वो फौरन समझ जाएगी क्या बात है, इतने दिनों बाद मिली मुझे, ऐसे बोल रहे हैं रफ। तुम्हारी एक बाणी दीवार के भी कान होते, इधर से रिफ्लेक्स हो गया। हमेशा तारीफ करो तो, अरे आओ आओ, क्या आप तो हमारी बिटिया के बड़े भैया से ही बढ़ के हो, बहुत तारीफ करती है आप। अब ऐसे बोलेंगे अन्याय कैसे हो जाएगा। सुनना, पेरेंटिंग के प्रभु सही कह रहे, लोग व्यवहार कैसे करना चाहिए, पेरेंटिंग से सुनना। हमें तो इतना दुख होता है, बिना बात अपने घर में आग लगाती है बहुएं, बिना ही बात
जरा सी बात है, मतलब हर महिला को ऐसा कहने में अच्छा लगता है, हम तो सहर है, हम जैसे हैं सो सहर है, बाकी तो सब खराब। बहुत बढ़िया, हम कह रहे तुम्हें यो पेट्रोल अच्छे खासे घर में आग लगाने वाले। अरे क्या है तुम्हारे, अंजना जैसा कर्म का उदय आ गया, क्या हो गया, सीता जैसा आ गया, क्या हो गया उस घर में? नहीं, वो सास पक्षपात करती है और जेठ तेज है और हमारे जेठ तो सीधे सच्चे हैं और हम भी कछु नहीं जाना, हम तो ये सब ऐसा करता हूँ, ठगा गए बस, तुम्हारी जवानी बहुत है आग लगाने के लिए, समझ गई बेटी? ऐसे यहां समझ, कभी दोष मत देना किसी को, कोई अन्याय नहीं होता, इस न्याय को समझो विचार कर। ओम नमस्ते।